Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Short Beak Echidnas. So we will know Short Beak Echidnas. Short Beak Echidnas in Western Australia beat the heat by blowing mucus bubbles according to researcher from Curtin University. So jo aapke researchers hai Curtin University ke, unhone bataya hai ki jo Short Beak Echidnas hai Western Australia ke, wo beat kar rahe hai heat ko blowing mucus bubbles ke karan. To ye Short Beak Echidna ke bare mein hum jaan le. It is one of four living species of Echidna. It is covered in fur and spines and has a distinctive snout and a specialized tongue which is used to catch its insect prey ant and termite at a great speed. ये one of the four living species में से है इकाइडना के Shortbeak Echidna. ये जो है कवर होते हैं फर और स्पाइन से, इनका एक डिस्टिंक्टिव स्नाउट होता है और ये स्पेशलाइज टंग होते हैं जो कि उपयोग होता है कैच करने में इंसेक्ट प्रे को, जैसे कि एंट हो गया, टर्माइट हो गया, ग्रेट स्पीड में. अदर मैकेनिज्म यूज बाय एनिमल टू स्टे कूल. इसके अलावा जो मैकेनिज्म है जिसका उपयोग किया जाता है एनिमल्स के द्वारा ताकि वो कूल रह सके, जैसे कि डॉग पेन टू कूल ऑफ. कंगारूस लीक करते हैं अपने आम को ताकि इवापोरेटिंग सलाइवा जो है वो कूल करे अंडरलाइंग ब्लड वेसल्स को. वल्चर स्क्विट वाटरी पूप ऑन देयर नेक लेग. वल्चर जो है स्क्विट करते हैं वाटरी पूप को अपने नेक लेग पे. बर्ड्स और मैमल्स जो है वो फ्लप्स करते हैं अपने फेडर को ताकि वो इंक्रीज कर सके एयर को जो कि ट्रैप हो सकेगा स्किन के पास, जो कि एक इंसुलेटर के रूप में काम करता है रेगुलेट करने में बॉडी टेम्परेचर को. जैक रैपिड इंक्रीज करते हैं ब्लड फ्लो को अपने ईयर्स पे ताकि वो डिसिपेट कर सके हीर को और आसानी से. ये जो स्पीसीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था भी, आप उसको देख सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा ओजोन पॉल्यूशन. तो हम जानेंगे ओजोन पॉल्यूशन के बारे में, पहले भी इस टॉपिक को कंसीडर कर रखा है, फिर से न्यूज में तो समझेंगे. एज पर सीपीसीबी ग्राउंड लेवल ओजोन O3 हैज स्टार्टेड टू इमर्ज एट दिल्ली लेट पॉल्यूशन ड्यूरिंग द डे पार्टिकुलरली आफ्टर रेन अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो जो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उनके अनुसार जो ग्राउंड लेवल ओजोन है O3 वो इमर्ज कर रहा है दिल्ली के लेड पॉल्यूटेंट के तौर पे डे टाइम पे पार्टिकुलरली रेन के बाद. ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में हम समझ ले ये होता क्या. ग्राउंड लेवल ओजोन इज ए टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट दैट इज प्रोड्यूस व्हेन टू प्राइमरी पॉल्यूटेंट नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट इन सनलाइट एंड स्टेग्नेंट एयर. इट इज रिफर्ड टू एज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बिकॉज इट इज नॉट डायरेक्टली एमिटेड बट रेदर फॉर्म थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन दिस प्राइमरी पॉल्यूटेंट. जो ग्राउंड लेवल ओजोन है ये एक टाइप है पॉल्यूटेंट का जो कि प्रोड्यूस होता है जब दो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट करते हैं सनलाइट और स्टैग्नेंट एयर के प्रेजेंस में. इसको रिफर किया गया है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के तौर पे क्योंकि ये डायरेक्टली एमिट नहीं होते बल्कि बनते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद इस प्राइमरी पॉल्यूटेंट के. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी हम जान लें. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी इस्टेब्लिश इन 1974 हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इट वॉज इस्टेब्लिश इन 1974 अंडर द वाटर एक्ट 1974 बट इज इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर एक्ट 1981. जो का सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इंडिया का उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1974 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है. ये की स्टेटूटरी ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है. इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1974 पे वाटर एक्ट 1974 के माध्यम से, लेकिन ये इंटरेस्ट करता है पावर ऑफ फंक्शन अंडर ईयर एक्ट 1981 के. ये आप देख के समझ सकते हैं जो टाइप है ओजोन का, तो गुड ओजोन बेज ओजोन उसका लोकेशन इफेक्ट सब जो क्या अंतर है, तो यहाँ पे चार्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश किया गया है, टेबल के माध्यम से. गुड ओजोन जो कि यूजफुल है ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है. फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव लेयर दैट शील्ड अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज. ये फॉर्म करता है एक प्रोटेक्टिव लेयर को जो कि शील्ड करता है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से. गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट लिया गया इसके लिए जैसे कि किगाली अग्रीमेंट हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, ताकि फेज डाउन किया जा सके ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस को. बैड ओजोन जो कि हार्मफुल है ये आपका ट्रोपोस्फीयर यानी ग्राउंड लेवल ओजोन में पाया जाता है. हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट काउज डैमेज टू क्रॉप्स एंड फॉरेस्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इरिटेशन पोर्स एंड लंग कंडीशन. इसका इफेक्ट क्या होता है, तो ये हार्मफुल एयर पॉल्यूटेंट है, इसके कारण डैमेज होता है क्रॉप्स और फॉरेस्ट में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इरिटेशन होता है, ये वॉर्सन कर देता है लंग्स के कंडीशन को. गवर्नमेंट के द्वारा जो एफर्ट लिया जा रहा है इसके लिए जैसे कि जो शिफ्ट किया जा रहा है बैसल 6 कंपाइलेंट व्हीकल की ओर, जो शट डाउन किया जा रहा है थर्मल पावर प्लांट को, बैन किया गया है गार्बेज बर्निंग को GRAP, जो लॉन्च किया गया NCAP को, सेटअप किया गया है मॉनिटरिंग नेटवर्क फॉर एयर क्वालिटी असेसमेंट को, ये सारे एफर्ट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है बैड ओजोन से डील करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक हमारा पीएम मुद्रा योजना कंप्लीट 8 ईयर. तो पीएम मुद्रा योजना का अभी हाल ही में 8 साल कंप्लीट हो चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट हमें पता होना चाहिए, पीआईबी को नीचे इस कारण भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है.
रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर हैड लॉडेड मुद्रा योजना ऑन द कम्प्लीशन ऑफ एशियर. दिस योजना हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन फंडिंग द अनफंडेड एंड इंश्योरिंग अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी फॉर काउंटलेस इंडिया. अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था मुद्रा योजना को लेकर, जब इसने कम्प्लीट कर लिया 8 ईयर्स को. ये जो योजना है इसने एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया फंड करने में अनफंडेड को, और इंश्योर किया कि एक लाइफ जो है डिग्निटी का, साथ साथ प्रॉस्पेरिटी का काउंटलेस इंडियन के लिए. जो अचीवमेंट है पीएम मुद्रा योजना के, इसके बारे में हम जानेंगे. हम जानेंगे इसके अचीवमेंट के बारे में. जो लोन सैंक्शन किया गया है, अबाउट 23 लाख करोड़ हैज बीन सैंक्शन इन नियरली 41 करोड़ लोन अकाउंट. 23 लाख करोड़ को सैंक्शन किया गया है नियरली 41 करोड़ लोन अकाउंट के लिए. इंक्लूसिव ग्रोथ को ये देख रहा है तो 69% अकाउंट जो है इस स्कीम के अंतर्गत वो बिलोंग करते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर को, और 51% अकाउंट जो है वो बिलोंग करते हैं एंटरप्रेन्योर को एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी को. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें, एज पर अ सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज बीन जनरेटिंग ओवर 1 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 2015 टू 2018, आउट ऑफ विच वुमेन अकाउंटेड फॉर 69 लाख 62%. तो जो सर्वे कंडक्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा, इसके अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण जनरेट हुआ 1 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट 2015 से 2018 के दौरान, जिसमें वुमेन जो है वो अकाउंट करती है 69 लाख जॉब को 62%. इजली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फॉर बर्डिंग इंटरप्रेन्योर, अप्रॉक्सिमेटली 21% ऑफ टोटल लोन हैव बीन सैंक्शन टू न्यू इंटरप्रेन्योर. और आसानी से क्रेडिट जो है वो दिया जाता है बर्डिंग इंटरप्रेन्योर को. अप्रॉक्सिमेटली 21% जो टोटल लोन है उसको सैंक्शन किया गया है न्यू इंटरप्रेन्योर के लिए. क्या फीचर्स इस स्कीम का? मुद्रा माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, जो मुद्रा है वो स्टैंड करता है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड के लिए. इट वॉज लॉन्च इन द ईयर 2015. इसको लॉन्च किया गया था 2015 में. कब लॉन्च किया गया था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. क्या मकसद है? प्रोवाइडिंग लोन अप टू ₹10 लाख टू नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस. ये लोन प्रोवाइड करता है ₹10 लाख तक का नॉन कॉर्पोरेट नॉन फार्म स्मॉल या माइक्रो इंटरप्राइजेस को. तीन पिलर इस स्कीम के कौन कौन से? बैंकिंग दी अनबैंक, सिक्योरिंग दी अनसिक्योर, फंडिंग दी अनफंडेड. यानी बैंकिंग प्रोवाइड किया जाए अनबैंक को, सिक्योर किया जाए अनसिक्योर को, और फंड दिया जाए अनफंडेड को. फंडिंग प्रोविजन क्या है? मुद्रा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट प्रोवाइड फंडिंग टू द स्मॉल बिजनेस सेक्टर थ्रू इंस्टीट्यूशन लाइक शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, एनएफआई. जो मुद्रा है ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको सेटअप किया है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि प्रोवाइड किया जाए फंडिंग को स्मॉल बिजनेस सेक्टर के लिए. जो इंस्टीट्यूशन है जैसे कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, एनएफआई के माध्यम से. मुद्रा इज अ रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन. मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू माइक्रो इंटरप्रेन्योर और इंडिविजुअल. मुद्रा एक रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, ये डायरेक्टली लेंड नहीं करता है माइक्रो इंटरप्रेन्योर या इंडिविजुअल को. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्टली ये आपको लेंड नहीं करेगा. ये लेंड करेगा किसको? तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, एमआईएफआई को, और वो हमें लेंड करेंगे. लोन का जो प्रोडक्ट है शिशु अप टू ₹50,000, तो शिशु के अंतर्गत 50,000 तक का लोन मिलता है. किशोर के अंतर्गत 50,000 से 5 लाख तक का, तरुण के अंतर्गत 5 लाख से 10 लाख तक का. सबको जितनी लोन की आवश्यकता है उसके लिए अलग अलग में बात दिया गया है इसको, शिशु, किशोर, तरुण में. कोलेट्रल की अगर हम बात करें, लोन अंडर दिस स्कीम आर कोलेट्रल फ्री लोन. जो लोन दिया जाता है इस स्कीम के अंतर्गत वो कोलेट्रल फ्री लोन होता है. टारगेट बेनिफिशियरी की अगर हम बात करें, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी सच एज वुमेन एंटरप्रेन्योर, एससी, एसटी, ओबीसी बोरोवर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोरोवर एंड न्यू एंटरप्रेन्योर. जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के, जैसे कि वर्कर हो गए, वुमेन एंटरप्रेन्योर, एससी, एसटी, ओबीसी बोरोवर, माइनॉरिटी कम्युनिटी बोरोवर या न्यू एंटरप्रेन्योर, उनको ये देता है लोन. प्रोडक्ट और सर्विसेज की अगर हम बात करें, लोन कैन बी यूज फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी इन दी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग सर्विसेज सेक्टर एंड एग्रीकल्चर. जो लोन है इसका उपयोग किया जा सकता है इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी पे, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रेडिंग के लिए, सर्विसेज सेक्टर के लिए या एग्रीकल्चर के लिए. एक्सपेंशन की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज बीन एक्सपेंडेड ओवर टाइम टू कवर एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सच एज फिशिंग, डायरी एंड फूड प्रोसेसिंग, एंड लोन फॉर ट्रैक्टर एंड पावर टीलर एंड टू व्हीलर फॉर कमर्शियल यूज वर इंक्लूडेड इन दी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को एक्सपेंड कर दिया गया है समय के साथ. अब ये कवर करता है एक्टिविटी को जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से, जैसे कि फिशिंग, डायरी, फूड प्रोसेसिंग को भी. लोन जो है ट्रैक्टर या पावर टीलर के लिए या टू व्हीलर कमर्शियल यूज जिसके लिए जो यूज होता है उसको भी इंक्लूड कर लिया गया इसमें. स्टेप टेकन टू इम्प्रूव द स्कीम, जो स्टेप लिया गया है ताकि इम्प्रूव किया जा सके इस स्कीम को. उदयमी मित्रा पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो उदयमी मित्रा पोर्टल है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए. एंड टू एंड डिजिटल लैंडिंग फॉर ऑटोमेटेड सैंक्शन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बाय सम बैंक. एंड टू एंड डिजिटल लैंडिंग जो है ऑटोमेटेड सैंक्शन के माध्यम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत कुछ बैंक के द्वारा. जो नॉमिनेशन है मुद्रा नोडल ऑफिसर के पास पीएसबी के लिए. इंटरेस्ट सबवेंशन है 2% का प्रॉम्प्ट रीपेमेंट में शिशु लोन के अंतर्गत.
चैलेंजेस फेस बाई दी स्कीम। अब कोई भी स्कीम होगा तो कुछ प्रॉब्लम इश्यू होगा, तो क्या चैलेंजेस है जिसका सामना करना पड़ रहा है स्कीम को। तो हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड लोन, बहुत ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन है। लिमिटेड फंड दैट कैन नॉट कीप अप विद द पेस ऑफ डिमांड, फंड जो है वो लिमिटेड है और ये पेस अप नहीं कर सकता है डिमांड के अनुसार। रीजनल डिस्पैरिटी है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बेनिफिट का। लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग बेनिफिशियरी लीडिंग टू डिफॉल्ट, फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है जिसके कारण डिफॉल्ट हो रहा है। बहुत कम आउटरीच है रूरल एंटरप्रेन्योर तक। कोलेट्रल रिक्वायरमेंट जो है लोन के लिए कुछ अमाउंट के अबव के लिए ये काफी कठिन हो जाता है स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए कि वो एक्सेस कर पाए क्रेडिट को। लोन साइज जिसका लिमिटेशन अप टू 10 लाख का है जो कि इनएडिकेट है बहुत सारे स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जहां पे हायर कैपिटल की आवश्यकता होती है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो ओवरऑल मुद्रा स्कीम है ये एक सक्सेसफुल है प्रोवाइड करने के लिए क्रेडिट को स्मॉल इंटरप्रेन्योर को, लेकिन कुछ सिग्निफिकेंट चैलेंजेस है जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है ताकि इसको और ज्यादा इफेक्टिव और इंक्लूसिव बनाया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023। तो जो इंडियन स्पेस पॉलिसी है 2023 का इसके बारे में हम जानेंगे। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 टू बूस्ट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर फ्रॉम प्राइवेट कंपनी। गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है इंडियन स्पेस पॉलिसी को 2023 का ताकि बूस्ट किया जा सके प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को और बढ़ावा दिया जा सके इन्वेस्टमेंट को स्पेस सेक्टर के लिए प्राइवेट कंपनी के द्वारा। नीड फॉर इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023, क्यों आवश्यकता पड़ी इंडियन स्पेस पॉलिसी की। इंडिया करेंटली हैज अबाउट 2% ऑफ ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी, यूएसए हैज ओवर 50% शेयर। इंडिया जो है करेंटली सिर्फ 2% ही है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का जबकि यूएसए का 50% शेयर है, तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज ज्यादा शेयर हो गया। इंडियन स्पेस इंडस्ट्री वॉज वैल्यूड एट $7 बिलियन इन 2019 एंड एस्पायर टू ग्रो $50 बिलियन बाई 2024। इंडिया का जो स्पेस एजेंसी इसका वैल्यू आपका $7 बिलियन का था 2019 के समय पे और ये एस्पायर करता है कि ये ग्रो करके $50 बिलियन हो जाएगा 2024 तक। इंडिया नीड टू यूटिलाइज इट्स कॉस्ट इफेक्टिवनेस इन द स्पेस सेक्टर, इंडिया को जरूरत है कि वो यूटिलाइज करे इसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस को स्पेस सेक्टर के लिए। द साइज ऑफ द स्पेस इकोनॉमी इन इंडिया इज स्मॉल एंड इज मोस्टली गवर्नमेंट फंडेड, जो साइज है स्पेस इकोनॉमी का भारत में वो काफी छोटा है और ज्यादातर गवर्नमेंट फंडेड है। इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का जो बढ़त देखा गया है यूनाइटेड स्टेट यूरोप रशिया इन सब के जो स्पेस इंडस्ट्रीज में बड़े बड़े प्लेयर है जैसे कि बोइंग स्पेसएक्स एयरबस वर्जिन गैलेक्टिका ये सारे हो गए। डिटेल्स ऑफ आईएसपी 2023, जो डिटेल्स है इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 का, तो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन ये जो पॉलिसी ये कह रहा है कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को स्पेस सेक्टर के लिए जिसमें इसरो फोकस करेगा रिसर्च और डेवलपमेंट में एडवांस स्पेस टेक्नोलॉजी का। ये जो प्राइवेट सेक्टर होंगे वो भाग लेंगे एंड टू एंड स्पेस एक्टिविटी पे जो इंक्लूड करेगा सेटेलाइट बिल्डिंग रॉकेट लॉन्च व्हीकल को डाटा कलेक्शन और डिसेमिनेशन को। प्राइवेट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये जो पॉलिसी है ये इंकरेज कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को कि इन्वेस्ट करे क्रिएट करने के लिए न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को सेक्टर के लिए और आउटलाइन करे जो फ्रेमवर्क है प्राइवेट सेक्टर का इसरो फैसिलिटी के लिए स्मार्ट चार्जेस पे। ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इंडिया शेयर करता है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में करेंटली लेस देन 2%, ये बढ़ के 10% तक फ्यूचर में हो सकता है। रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये जो पॉलिसी है ये डिलिनेट कर रहा है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इसरो जो है वो फोकस करेगा डेवलप करने में न्यू टेक्नोलॉजी को न्यू सिस्टम को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर। और अब क्या होगा कि कोई भी ऑपरेशनल और प्रोडक्शन वर्क जो है स्पेस सेक्टर को उसके लिए डायरेक्टली उस पर डिपेंडेंट नहीं होना होगा। NSIL जो है ये कैरी आउट करेगा स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी को जो कि रिलेटेड होगा स्पेस सेक्टर के लिए और ये काम करेगा डिमांड ड्राइवन मोड पे। इन स्पेस जो है ये इंटरफेस के रूप में काम करेगा इसरो और नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज के बीच में। ऑपरेशनल मिशन की अगर हम बात करें तो जो ऑपरेशनल पार्ट है इसरो के मिशन का वो मूव हो जाएगा NSIL के पास। कंक्लूजन इसमें क्या निकाल सकते हैं, ये जो पॉलिसी है ये प्रोवाइड करेगा एक स्ट्रेटेजिक रोडमैप को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का ताकि प्रमोट किया जा सके इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को और इंश्योर किया जा सके नेशनल सिक्योरिटी को स्पेस डोमेन पे। अब इन सब के बारे में भी हम जान लें सेपरेटली। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में, इसके फाउंडर विक्रम साराभाई थे। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो स्पेस कमीशन हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु पे है। ये नेशनल एजेंसी है भारत का जो कि ऑपरेट करता है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत। इन स्पेस जो है वो काम करता है एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस के तौर पर इसरो के बीच में और जहां पे कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन स्पेस रिलेटेड एक्टिविटी पे और उपयोग कर सकते हैं इंडिया के स्पेस रिसोर्सेज का। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, इसको अनाउंस किया गया था 2019 के बजट में। PSU अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के आता है।
इसका मकसद है कि उपयोग किया जाए रिसर्च और डेवलपमेंट का, जिसको कैरी किया गया इसरो के द्वारा सालों से कमर्शियल पर्पस में, ताकि इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर बन सके और ग्रो कर सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर्स है सर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।